नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौधरी और आप देख रहे हैं जॉब टुडे। तो दोस्तों, आज की रिक्रूटमेंट है वो है DRDO ITR अप्रेंटिस 2019 की। यहाँ पे आपको बता दूँ, बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई है DRDO की तरफ से। अगर जो भी स्टूडेंट चाहते हैं उनमें जॉब लेना, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। यहाँ पे आपको साथ में बता दूँ, यहाँ पे आपकी कोई भी जो है एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगती है, कोई एग्ज़ाम फ़ी जो है आपको चार्ज यहाँ पे नहीं दी जाती है, वो सभी कैंडिडेट्स पे अप्लाई होती है। ठीक है, कोई भी इसमें जो है कोई एक रुपया भी उनका जो है इसमें चार्ज नहीं लगेगा। साथ में बता दूँ, अगर मैक्सिमम एज के बारे में तो वो 37 है और नोटिफिकेशन इसकी आउट हो चुकी है। इसकी सारी डिटेल मैं इस वीडियो में बता दूंगा, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम प्रोसेस और सैलरी डेट टाइम एंड ये आपके लिए जॉब अच्छी है या नहीं है, ये सारे डिस्कस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। उससे पहले आपको करना है इस वीडियो को लाइक, और साथ में इस YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड कलर के आइकन को दबा के सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करिएगा दोस्तों, तभी आपको आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले जा पाएगी। फ्रेंड्स, ये सारे काम करना बिल्कुल फ्री है, आपको कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लगती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं DRDO ITR अप्रेंटिस 2019 के बारे में। दोस्तों, आपको बता दूँ, DRDO ITR के जो है ITR जो अप्रेंटिस 2019 की है, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म बता दूँ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म। ये पोस्ट नेम बता दूँ कि ITR अप्रेंटिस के लिए है। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 1 नवंबर से होगी। ठीक है दोस्तों, और लास्ट डेट जो है इसकी 20 नवंबर होगी। आप लोग सारे डेट के बारे में ज़रूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, और इसकी जो है वो एडमिट कार्ड वगैरह और एग्ज़ाम डेट की नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, जैसे ही आता है हम आपको सबसे पहले बताएंगे। और इसकी लास्ट डेट जो है पेमेंट फ़ी करने के लिए वो भी जो है 20 नवंबर है। ठीक है, और आपको जैसे कि मैंने बताया था, आपको 1 रुपया भी आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं होगी। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो ये जो सिटी एंड इंस्टीट्यूट बता दूँ कि DRDO जो ITR है वो है चंदनापुर और जो बालेश्वर में है, और ये जो है स्टेट आपको ओडिशा पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि ओडिशा में ही जो है यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है, वहीं पे आपकी यहाँ पे जॉब लगेगी। ठीक है, और एज लिमिट की आप बात करें तो टेंटेटिव जो होती है वो आपको बता दूँ कि मिनिमम एज जो है यहाँ पे 18 वर्ष से जो है मैक्सिमम एज 27 वर्ष तक है। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे जो रिलैक्सेशन जो दी जाती है, जैसे OBC SC ST और भी जो कैंडिडेट हैं जैसे PWD, उनके लिए यहाँ पे जो है 30 साल की देख सकते हैं कि OBC के लिए है, SC ST के लिए 32 साल और PWD के लिए यहाँ पे 37 वर्ष की छूट दी गई है। फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट जो है वो ऑनलाइन है, मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। पोस्ट नेम ये बता दूँ कि ग्रेजुएट एंड जो डिप्लोमा टेक्निकल अप्रेंटिस है उसके लिए है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दूँ, अब ट्रेड वाइज यहाँ पे डिटेल कुछ कि जैसे ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिस जो 60 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है उसके लिए, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग जैसे IT कर रखे हो तो उनके लिए 22 पोस्ट है यहाँ पे। इसी तरह से सारे यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट के बारे में दी गई है, सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। अब बात करते हैं जो आपकी जो पे स्केल कितनी होगी उसके बारे में। तो ग्रेजुएट जो अप्रेंटिस पोस्ट के लिए भरेंगे उनके लिए यहाँ पे जो है 9,000 पर मंथ जो है आपको दी जाएगी, और साथ में डिप्लोमा जो अप्रेंटिसशिप पोस्ट के लिए भरेंगे उनके लिए 8,000 पर मंथ की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें अगर, तो अगर आप BTech या BDD कर रखे हो दोस्तों तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और साथ में जो है आपकी जो है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप जो अरेंजमेंट होंगी वो भी जो है प्रोग्राम ही होना चाहिए यहाँ पे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं फॉर लाइब्रेरी साइंस जो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी आई है उस पर, तो उनके लिए यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस ही उनकी जो है एजुकेशन होनी चाहिए। उसी तरह डिप्लोमा अप्रेंटिस पोस्ट के लिए आपको जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो है कर रखे हो तो वो फ्रेंड्स इसमें भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। तो आपको जो है इसमें अप्लाई करना है, जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप वहाँ से चेकआउट करके वहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और साथ में आपको बता दूँ कि इसकी जो है वह सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम ली जाएगी। ठीक है, इसकी जो है वो एग्ज़ाम प्रोसेस जो होगी, सिलेक्शन प्रोसेस वो होगी रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद आपकी इंटरव्यू ली जाएगी। ये दोनों होने के बाद आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी, उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है दिखाया जाएगा कि कितनी आपकी मेरिट आती है उसमें, और इसी हिसाब से आपकी जो जॉब यहाँ पे लगेगी। अब बात करते हैं जो ये अच्छी जॉब है या नहीं दोस्तों, तो मैं इसकी अब जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलता हूँ, वहाँ सारी डिटेल बताऊँगा आपको। फ्रेंड्स, मैं इस रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ। अब मैं बताऊँ आपको कि ये जो है
सारे स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा जॉब है फ्रेंड्स। मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी जो है यहाँ पे जो अप्रेंटिस की यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है, अगर आप वो कंप्लीट करते हो, उसके बाद अगर आप किसी भी जो है इंस्टीट्यूट या किसी भी जो है वो कंपनी में जाते हो अगर, तो वहाँ पे आपकी अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी बन जाती है आपको। जो यहाँ पे टोटली एक वर्ष साल जो है, यानी कि 1 ईयर जो है आपकी अप्रेंटिसशिप के ट्रेनिंग वक्त जो है आपको जो सैलरी यहाँ पे बताया गया है वो मिलेगा। उसके बाद अगर इसी जो है DRDO में अगर इसी बैच के लिए अगर कोई नई वैकेंसी आती है, तो उस में आप जो है उसे अप्लाई करके आप अच्छी वहाँ पे जो है अपनी जॉब ले सकते हो। तो ये मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आपको पसंद आती है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, आपको यहाँ पर किसी तरह की जो है पेमेंट फ़ी करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों किसी तरह का अगर डाउट हो तो मेरे आप इंस्टाग्राम पर आके हमसे बात कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और फर्स्ट कमेंट में भी दे रखा है, तो जरूर आना फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।